आज हमारे बीच में चाय वितरण में डॉक्टर राजेश सिन्हा जी उपस्थित हैं। नमस्ते। राजेश सिन्हा जी एमएस सर्जन हैं और एमएमआई रायपुर में आज अपनी सेवाएं अपने एक बेहतर सर्जन के रूप में अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं बगैर किसी औपचारिकता के सीधे चर्चा पे आऊँगा। डॉक्टर राजेश सिन्हा जी, क्या आपके मन में शुरू से डॉक्टर बनना था या किसी और वजह से आप डॉक्टर बन गए, या ऐसी कौन सी बात थी जो आपको डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित की? नहीं, ऐसा है कि जब हमारे समय में हमारी फैमिली में ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं थे, उस समय दो ही चीज़ चलती थी, या तो लड़का घर का डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। तो चूंकि मेरा साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मैंने बायो लिया और फिर मैं एमएबीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर डॉक्टर बन गया। बहुत ज़्यादा ऑप्शन, जैसे आजकल बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं बच्चों के पास कि हम ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। थोड़ी हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस का पता भी नहीं रहता, तो बस दो ही चीज़ हम लोग मेन जानते थे, अगर लड़का ब्रिलियंट है, तेज है, तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो इन दोनों में से मैंने फिर डॉक्टर बनने के लिए चुना। नॉर्मली कई बच्चे ऐसे होते हैं या कई लोग ऐसे होते हैं जो एमबीबीएस के बाद ही अपनी पढ़ाई समाप्त कर देते हैं, कई ऐसे होते हैं जो एमएस करते हैं। जब एमएस करते हैं तो उसमें भी आप जो सर्जरी के फील्ड को चुनते हैं तो आपके दिमाग में लेप्रोस्कोपिक के बीच में या गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए या इस तरीके का सर्जन बनने का दिमाग में कहाँ से आया? जी, जब आप एमबीबीएस करते हो तो आप करते करते आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप इंटरेस्ट डेवलप करने लग जाते हो। जब आप पढ़ते हो तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, स्पेशली जब फाइनल में आते हो तो आपको सर्जरी भी पढ़नी होती है, मेडिसिन भी पढ़नी होती है, गायनी भी पढ़नी होती है, और भी जितने ब्रांचेज हैं सब पढ़नी होती है, पीडियाट्रिक्स एंड ऑल। तो जब आप पढ़ते हो फिर उसके बाद आप इंटर्नशिप करते हो, कहीं कहीं कोई कोई लोग हाउस जॉब भी करते हैं, इंटर्नशिप करने के बाद ही आप पीजी वगैरह कर सकते हो। तो जब आप सब पढ़ते हो तो आपको लगता है कि नहीं, ये फील्ड मेरे लिए अच्छा है, ये फील्ड में मेरा पैशन है, ये फील्ड में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा जग रहा है। और शुरू से मुझे सर्जरी काफ़ी, हालांकि मैं जब एमबीबीएस कर रहा था तो मैं मेडिसिन का स्टूडेंट माना जाता था, बिकॉज मैं मेडिसिन में काफ़ी स्ट्रांग था और अपने जूनियर्स को मेडिसिन ही पढ़ाता था, और पूरे कैंपस में था कि राजेश सिन्हा तो मेडिसिन ही लेगा। लेकिन शायद कुछ और ही मंजूर था, मेरा मेडिसिन में बहुत ज़्यादा, फिर शायद बहुत ज़्यादा पढ़ लेने पे भी कभी अरे ऐसा होता है कि आप यू लूज योर इंटरेस्ट इन ऑल। तो फिर मैंने मेरा सर्जरी में जब इंटर्नशिप किया, फिर हाउस जॉब भी किया, तो फिर मेरा उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा जग गया, तो फिर मैंने उसको चेंज करके फिर मैंने सर्जरी लिया। अब सर्जरी के फील्ड में आप पहली जब सर्जरी किए होंगे तो उस समय कुछ डर लगा होगा या हाथ पैर कुछ ऐसे नॉर्मली कहते हैं कि पहली जब? नहीं, डर तो आप जब आप फर्स्ट एमबीबीएस में रहते हैं थोड़े दिनों के बाद, आप जब एनाटॉमी डिसेक्शन और में आप जब डेड बॉडी को डिसेक्शन करते हैं तो वहीं पर डर खत्म हो जाता है। तो आपका जब आप एंट्री जब आप एमबीबीएस में लेते हो तो कुछ महीनों तक ही थोड़ा सा इन सब चीज़ों से हिच रहती है, उसके बाद आप यूज टू हो जाते हो। और ये होना भी पड़ता है क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा इमोशंस को हावी होने देंगे अपने मन पे, अपने काम पे, तो फिर हम काम ढंग से या उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जैसे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं रहते हैं, डॉक्टर भी ज़्यादा काफ़ी इमोशनल्स होते हैं, बट हमें ये सिखाया जाता है या हम ये सीख जाते हैं कि इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं करना है, अपने अंदर को दबा के रखना है, क्योंकि उससे आपका काम इफेक्ट होगा। नॉर्मल केसेस में तो सर्जरी ठीक है, आप लोग टाइम दे करके कि इतने तारीख को इतने बजे सर्जरी आपकी होगी। कुछ ऐसी जो सीरियस कंडीशन होती है उसमें सर्जरी का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता होगा, या आपको सीरियस केस में जो सर्जरी करनी होती होगी, तो ऐसा नहीं लगता कि कई बार परिवार के साथ में इनजस्टिस हो रहा है या रात को 12 बजे राजेश सिन्हा जी उठ कर जा रहे हैं या नींद अभी आई नहीं तब तक फोन आ गया? नहीं, ये तो बहुत बार होता है, ये हमारे मतलब एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारा प्रोफेशनल लाइफ है। अब हर प्रोफेशन में कुछ चीज़ें आपके अनुकूल होती हैं, कुछ चीज़ें आपके प्रतिकूल होती हैं, लेकिन आप जब प्रोफेशन को चुनते हो तो आप सारी चीज़ों को साथ में लेके चलते हो। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है कि हमने जब ये प्रोफेशन चुना, फिर खासकर सर्जरी चुना, तो हमें ये पता था कि इस तरह की चीज़ें होंगी, बट मैं उसको कोई हर्डल नहीं मानता हूँ, उसको कोई तकलीफ नहीं मानता हूँ। बिकॉज अगर हम उसको तकलीफ मानने लगे या एक तरीके का फैमिली या अपने पर्सनल लाइफ में रिकॉर्ड मान लेंगे तो हम फिर उस काम को उस निष्ठा से कर नहीं पाएंगे, उस ईमानदारी से कर नहीं पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि कई बार ये महसूस होता है कि हाँ, हम को फैमिली को कम समय दे पा रहे हैं या पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें हमें करनी चाहिए
घूमना है या कुछ और भी करना है, आपको कुछ और भी पैसन हो सकता है, आपको म्यूजिक करना पैसन हो सकता है, खेलना पैसन हो सकता है, पेंटिंग करना पैसन हो सकता है, आप उसके लिए भी समय नहीं दे पाते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट ठीक है, वो एक पार्ट एंड पार्सल लाइफ है। जहाँ पे हम लोग को समय मिलता है थोड़ा बहुत भी, तो इन सब चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके अपने पैसन है तो उसको आप पूरा कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम बिताने का है तो आप पूरा कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली काम तो आपको करना ही पड़ेगा। कहा जाता है कि डॉक्टर राजेश सिन्हा जी है ना, तुम मेरे दर्द को समझो, इसलिए अपने शादी भी डॉक्टर से ही किया ताकि दोनों तकलीफ एक दूसरे की समझ सके। नहीं, आमतौर पर ये ऐसा कर सोच से नहीं होता है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, आमतौर पर होता है कि जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं, जैसे कोई भी कॉलेज है वहाँ पर अगर कोएड है, लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ रही हैं, तो उस उम्र में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना या अट्रैक्शन होना, फिर प्यार होना, ये तो आम सी बात होती है। तो आप करते करते आप फिर उसके बाद आप उनके साथ बहुत समय गुजारते हो, बिकॉज आप सेम कैंपस में रह रहे हो एक, तो फिर एक दूसरे को जानने लग जाते हो, और एक जीवन के चक्र में तो आपको एक शादी करनी ही होती है, तो इस तरीके से होता है। ऐसा सोच के नहीं होता कि वो सेम प्रोफेशन में ज़्यादा ट्यूनिंग होगी, ऐसा सोच के पता नहीं, मैंने ऐसा सोच के नहीं किया, हालांकि बल्कि ये कई बार काउंटर प्रोडक्टिव होता है, सेम प्रोफेशन में रहने से फिर दोनों को समय नहीं मिलता है, आप फ्री हैं तो वो आपकी पार्टनर फ्री नहीं है, आपकी पार्टनर फ्री है तो आप, मैं फ्री नहीं हूँ। तो राजेश सिन्हा जी, आप पे जो एक स्टूडेंट आज अगर MBBS या बायो लेना चाहता है तो आप क्या सलाह देंगे? मैं सलाह ये दूंगा कि कोई भी प्रोफेशन हो तो सबसे पहले उस प्रोफेशन के लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका पैसन होना चाहिए, तभी आप उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस। जस्ट आप एक कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे कैरियर के लिए अच्छा है, ये मेरे लिए रिटर्न अच्छा देगा, इसमें ज़्यादा सैलरी है, वो तो आप कुछ भी चूज़ कर लो। खासकर MBBS की अगर हम बात करें तो MBBS एक ऐसी चीज़ है, ऐसी कोर्स है जिसमें कि पैसन का होना बहुत ज़रूरी है। पैसन मीन्स आपको उसके कि ये करना ही है, ये नहीं करूँगा तो मैं ज़िंदगी नहीं गुजार पाऊँगा ठीक से, मैं बाकी ज़िंदगी तकलीफ में रहूँगा, चाहे मेरे को इससे अच्छी और कोई जॉब मिल जाए। तो मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ की पैसन का बहुत ज़रूरी है, लाइक स्पोर्ट्स, यू नो स्पोर्ट्स में भी आप पैसन नहीं रहेगा तो आप ना तो सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, ना आप मैराडोना बन सकते हैं, ना पहले बन सकते हैं, फिर आप एक आम खिलाड़ी बन के रह जाते हैं। तो मेडिकल फील्ड में भी ऐसा ही है कि आपको पैसन बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस करियर को चुनें। करियर ये प्रोफेशन बहुत ही अच्छा है, नोबल प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन की खास बात यही है कि आप इसमें एक पब्लिक डीलिंग करते हैं विथ कंपैशन, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप कितने कंपैशनेट हैं लोगों को प्रति लेके। तो अगर ये सब चीज़ आपके अंदर है और आपको सही में लगता है कि अंदर से कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, तभी जाना चाहिए। आज मेडिकल फील्ड को लेकर राजेश सिन्हा जी ऐसी बातें हैं कि डॉक्टर के पास जाने से कई लोग सोचते हैं कि डॉक्टर लूट मचा दिए हैं, बड़ा मतलब लोकल शब्दों में ऐसा प्रयोग हो रहा है कि डॉक्टर अगर जैसे आप गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं तो ऐसा रहे कि पेट दर्द होगा नहीं, कि डॉक्टर जो है पेट फाड़ देगा या पेट काट देगा, ऐसा आम पब्लिक के बीच में धारणा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितनी सत्यता है? अब इसमें देखो ऐसा है कि जैसे हर प्रोफेशन है, डॉक्टर भी किसी समाज से, उसी समाज से आ रहा है, इंजीनियर भी उसी समाज से आ रहा है, एक CA उसी समाज से आ रहा है, एक टीचर उसी समाज से आ रहा है, बिजनेसमैन उसी समाज से आ रहा है, तो हर समाज कैसा है उस पर बहुत डिपेंड करता है, लोगों की थिंकिंग कैसी है उस पर डिपेंड करता है, बाकी गलत चीज़ें तो होती हैं और हर फील्ड में होती हैं, उसी रेशियो में जैसे कि दूसरे फील्ड में होती है उसी रेशियो में यहाँ भी होती होंगी, उसमें मैं उसको बिल्कुल नकार नहीं सकता या इस दावे से नहीं कह सकते कि नहीं यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ गलत लोग हो सकते हैं, इसीलिए मैं बोला पहले कि जो डॉक्टर उनकी बनना चाहिए जो कि काफ़ी पैसन है और कंपेंसेनेट है, वो केवल इस वजह से नहीं कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है, एक्चुअली उतना पैसा है भी नहीं जितना लोग सोचते हैं, इससे ज़्यादा प्रोफेशन दूसरे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा पैसा आप रिटर्न कर सकते हो, तो उसको दिमाग में अगर कोई करके डॉक्टर बनेगा तो फिर तो नहीं बनना चाहिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं आप सही में जस्टिस कर सकते हो किसी के साथ,
इसी इंसान के साथ या सोसाइटी के साथ, तभी डॉक्टर बनना चाहिए। उसके अंदर आपको वो फीलिंग, वो कंपैशन आना चाहिए। तो जैसा आपने बोला कि गलत चीज़ें होती होंगी, तो वो वही लोग करते हैं जो कुछ डिफरेंट माइंडसेट से आते हैं, और ये परसेंटेज बहुत कम रहता है। जैसे दूसरे प्रोफेशन में कम परसेंटेज रहता है, यहाँ भी कम रहता है, कुछ होती होंगी। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आमतौर पर ऐसा जितना जो पब्लिक में या मीडिया में जितना एक आजकल माहौल बन गया है कि नहीं अस्पताल जाने से लूटते ही हैं, डॉक्टर जाने से लूटते हैं, बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही निराधार। अगर ऐसा रहता तो फिर चीज़ें चलती नहीं वो दिनों तक। और अगर ऐसा रहता रहे, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो ट्रस्ट होता है पेशेंट और डॉक्टर्स का, वो ऑलमोस्ट टूट चुका है। इनको हवा देने वाले कुछ मीडिया लोग होते हैं, कुछ चीप पॉपुलरिटी चाहिए वो लोग होते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को और हवा देते हैं कि नहीं ये यहाँ पे ऐसे लूटे, वहाँ पे ऐसे लूटे। आप कहीं भी अगर आप इलाज कराएंगे तो इलाज कराने में आपको डॉक्टर्स की फ़ीस देनी ही है, आपको मेडिसिन के पैसे देने ही है, आपको जो सर्विसेज, आपको सर्विसेज भी चाहिए, आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी चाहिए। आजकल तो पेशेंट्स बहुत अच्छा 5-स्टार रूम भी चाहिए उनको, ठीक है, वहाँ पे अच्छी सिस्टर भी चाहिए, अच्छे स्टाफ भी चाहिए और अच्छा मशीन भी चाहिए। मेरे पास एक मशीन है, मान लीजिए कि मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, ऐसे उदाहरण के तौर पर समझाऊँगा, लेप्रोस्कोपिक मशीन 5 लाख के भी आ सकती है, 50 लाख के भी आ सकती है, और एडवांस जाएंगे तो 1 करोड़ के भी आ सकती है। तो अगर आप चीज़ अच्छा करना चाहेंगे तो थोड़ा आप अच्छा मशीन लेंगे, तो वो पैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ से कोई लाएगा? हमें कोई किसी प्राइवेट सेंटर, ये सब चीज़ जो होती है प्राइवेट के लिए होती है, गवर्नमेंट के लिए तो कुछ बोलता नहीं है कोई, जबकि गवर्नमेंट में सुविधाएँ सबको पता है कि कैसी रहती है। इसके अलावा वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। जो होती है प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर के लिए होती है, जो आपने सवाल किया। तो प्राइवेट सेक्टर में जिसने अस्पताल खोला है उसके इन्वेस्टमेंट है, उसने कुछ मशीन्स लगाए हैं, स्टाफ रखे हैं, टेक्नीशियन रखे हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर भी चाहिए आपको, तो इन सब चीज़ों में पैसा लगता है। बिना पैसे के तो हो नहीं सकता, बिना पैसे के तो फिर गवर्नमेंट में होता है, वहाँ भी पैसे लग जाते हैं कई बार। तो जब आपको पैसे लगेंगे तो वो पैसे को रिटर्न कहाँ से आएगा? सुविधाएं अगर बेहतर चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा। तो इस वजह से उनको ये लगता है कि इलाज अगर किसी को ज़्यादा थोड़ा पैसा लग गया, कई बार एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लग गया, तो उनको लगता है कि गलत हो रहा है। और वो कंपेयर कैसे करते हैं? वो कंपेयर या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करते हैं। अच्छा, फिर हॉस्पिटल में भी यही है, नर्सिंग होम की अलग स्टेटस है, एक मिड क्लास हॉस्पिटल की अलग है, एक हाई एंड हॉस्पिटल टर्शियरी केयर की अलग है, हर जगह की इन्वेस्टमेंट भी अलग है, हर जगह की सुविधाएँ भी अलग हैं। तो उस हिसाब से लोग चार्जेस रखते हैं, और वो चार्जेस आपको बताए जाते हैं पहले से। उस चार्जेस बताने में भी आप हमेशा कोई एक्यूरेट नहीं हो सकते। हाँ, तो इस जो आप माहौल बना है इस चीज़ जहाँ कि पैसा ज़्यादा लग रहा है, महंगा है, तो महंगा इसलिए है कि वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगा है। इसका उपाय अगर देखा जाए तो इसका उपाय गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट को अपनी सेंटर्स को, जो अपने उनके हॉस्पिटल्स हैं, उनके सेंटर्स को ऐसा बना देना चाहिए जो कि प्राइवेट के जैसा हो। फिर आप प्राइवेट में आएंगे नहीं। फिर अगर मान लीजिए कि कोई प्राइवेट, कोई कॉरपोरेट ज़्यादा उसकी प्राइस हाई भी है, प्राइस हाई करना बीमारी नहीं है ना। हाँ, सुविधा। मैं कप को बना रहा हूँ, अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको 50 में बेचूँ कि 100 में बेचूँ। आप इसको गलत तो नहीं कह सकते ना, इलीगल तो नहीं कह सकते। तो कोई कह सकता है कि भाई मैं इतनी सुविधा दे रहा हूँ, मेरे चार्जेस 500 है, कोई इस बार कह सकता है मेरे 600 है, कोई कह सकता है 400 है। तो इलीगल तो नहीं है, गलत तो नहीं है। हाँ, सुविधाएं आपको, अब आपको लग रहा है कि महंगा है, तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, इसका कंपटीशन कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को, सेंटर्स को चाहिए कि वो अपने अस्पताल को इतना सुविधा दे दे, इतना अच्छा सुविधा दे दे कि आप फिर आपको प्राइवेट और सब बराबर लगेगा, फिर जिसको जहाँ जाना है। फिर अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो दे हैव टू कट डाउन ना। राजेश सिन्हा जी, आपको ऐसे 2-3 व्यक्तियों के नाम बताएं जो आपको बहुत प्रभावित किए या आपको प्रेरित किए। एक तो मैं खुद ही हूँ। बड़ी अच्छी बात है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्वयं से प्रेरित है राजेश सिन्हा जी, एक खुद। हाँ, बाकी मैंने ज़्यादा ऐसे एक किसी इंसान का नाम मेरे जहन में नहीं है, बट यही है कि आप जब भी कुछ काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत लोगों का सपोर्ट मिलता है और चाहिए भी होता है। उसमें जैसे आप फैमिली है, फैमिली में जितने लोग हैं आपके, मदर, फादर, स्पाउस एंड वो सब आपके ग्रोथ में सहायक होते हैं। उसके बाद आपके जब
पढ़ाई में आते हो या आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हो तो आपके टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, और फिर जहाँ से आप ट्रेनिंग लेते हो, जिसके अंडर आप पूरा ट्रेनिंग लेते हो, उनका बहुत बड़ा आपका योगदान होता है आपके ग्रोथ में। और अभी के स्टेज में पूछेंगे तो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है मेरा पेशेंट। बहुत ही मेरा पेशेंट अगर मेरे ठीक होके जाता है मुस्कराते हुए और अच्छे से सेटिस्फाइड जाता है इन एवरी एस्पेक्ट, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया। आज की यूथ को अगर कोई दो मुख्य बातें आप बताना चाहेंगे तो वो कौन सी दो मुख्य बातें होंगी? क्योंकि यूथ कुछ लोग कह रहे हैं भटक रहा है, कुछ कह रहे हैं अलग रास्ते पे है, कुछ मोबाइल की वजह से शायद या गैजेट की वजह से भ्रमित है। आज का युग थोड़ा भ्रमित है। भ्रमित इसीलिए है कि एक तो मीडिया के इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है, हर चीज़ को मोबाइल पे सोशल मीडिया पे देखते हैं और उसी से इम्प्रेशन बनाते हैं किसी चीज़ के बारे में। जैसे आपने मेडिकल फील्ड के बारे में कहा तो उसका इम्प्रेशन में ख़राब करने में या अच्छा करने में एक मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर मीडिया सही तरीके से प्रोजेक्ट करेगी, कोई भी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वॉट एवर मीडिया, तो अगर वो वही भ्रमित है तो फिर सब जो यूथ है, जो जिसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो भी भ्रमित हो जाएंगे। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि आप एक तो किसी चीज़ से भ्रमित नहीं है, अपना विवेक इस्तेमाल करें, अपनी रिसर्च करें। आपको कुछ लगता है कि आपको नहीं ये चीज़ के बारे में मुझे जानना है, ये गलत है कि सही है, तो आप सही जगह से, सही सोर्स से आप उसको रिसर्च कीजिए, सही जगह से उसके आप फाइंडिंग्स निकालिए, फिर आप उस पर आप इम्प्रेशन बनाइए। एक तो ये है। दूसरा कि जल्दी पेशेंस चाहिए आपको। कुछ आप कैरियर जब आप चुनते हैं तो कैरियर में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपका पैशन है, आपको जो आपका पैशन है उसको फॉलो करना चाहिए। नॉट कि एक रैट रेस की तरह कि मुझे डॉक्टर ही बनना है या मुझे इंजीनियर ही बनना है या मेरे फादर ने ये कह दिया तो ये बनना है, ये मेरे फादर इंजीनियर है तो मेरे को इंजीनियर ही बनना है, तो ऐसा नहीं है। आप फिर आप रैट रेस में जा रहे हैं, तो आपको कैरियर अपने हिसाब से चुनना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या जो अच्छा लगेगा आप उसी काम में अच्छा कर पाओगे, बाकी तो फिर मैकेनिकल हो जाता है। तो आपको अच्छा लगना, ये काम को प्यार करना, उस काम में आपका मन लगना, आपको अच्छा लगता है तो आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। और दूसरा कि ऑनेस्टी की बात करना पता नहीं आज के डेट में कितना है, बट आप बाकी और बाकी चीज़ों से ऑनेस्ट रहिए मत रहिए, अपने प्रति तो ऑनेस्ट रहना ही पड़ेगा। खुद के प्रति आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आप जो काम करना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप चुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उसके प्रति जो आपको ऑनेस्टी दिखानी है, चाहे आप किसी चीज़ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ में आप फील्ड में घुस रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपको एक ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसके रूल्स हैं, कमाने के तरीके हैं। आप पैसा किसी को हट करके कमा रहे हैं नंबर वन, और किस इलीगल तरीके से कमा रहे हैं, तो उस पैसे का कोई मोल नहीं मेरे हिसाब से। पैसा कमाइए, अरबपति बनिए, करोड़पति बनिए, कुछ भी बनिए, पैसा बिल्कुल कमाना चाहिए, लेकिन उसके दो ही बेहतर तरीके हैं, दो क्लॉज है जो नहीं उसमें होने चाहिए। वन इज वो एक ये है कि किसी को हट करके आप पैसा कमा रहे हैं, किसी को दुख करके कमा रहे हैं तो अच्छा नहीं है, दूसरा इलीगल तरीके से कमा रहे हैं तो अच्छा नहीं। यूथ के लिए संदेश दिए कि अपने प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति, अपने ऑब्जेक्ट के प्रति आप ईमानदार रहिए। राजेश सिन्हा जी से हम चर्चा के अंतिम बिंदु पे यह बात पूछेंगे कि राजेश सिन्हा जी, आप डॉक्टर हैं, आपकी वाइफ डॉक्टर हैं, आप दोनों का बड़ा नाम है, आपके दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे भी मेडिकल लाइन में रखे हैं, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, अब तो नहीं। मैं थोड़ा सा मतलब एज अ पेरेंट थोड़ा डिफरेंट हूँ, क्योंकि मैंने और मैं अपनी वाइफ से इस मामले में थोड़ा डिफरेंट हूँ, वो भी लेकिन अब धीरे धीरे समझ गई कि मैं मतलब क्या सही है बच्चों के लिए, तो उस हिसाब से हमने कुछ प्लानिंग बच्चों के लिए कभी नहीं किया कि हम हमारे बच्चों को यही करना चाहिए, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं उनको भी डॉक्टर बना दूँ। जैसे मैंने वही डिस्कस किया कि ये बच्चे के अंदर से क्या निकल के आ रही है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, उसके क्या इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो मैंने कभी उनको कभी फोर्स नहीं किया, फोर्स किया मैंने बोला भी नहीं कि तुम्हें क्या, तुम लोगों को क्या करना है, हमारे ट्विंस बच्चे हैं, तो दोनों ने तो मैं बड़ा ओपन माइंडेड हूँ इस मामले में।
तो दोनों ने 8th क्लास में ही डिसाइड कर लिया था कि दे आर नॉट गोइंग टू टेक बायो। उसका रीज़न था, अब उन्होंने उनका कुछ अंदर जो भी रहा होगा, देखते होंगे कि मम्मी पापा हमेशा बिजी रहते हैं, घर में भी आके मेडिकल चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, उस पर लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, तो शायद वो रीज़न होगा या फिर जो माहौल जो आजकल चल रहा है उस वो रीज़न रहा होगा। लेकिन उन्होंने जो भी रास्ता चुना, अपने मन से चुना, और उसमें से एक जिसका नाम सिद्धांत है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है अभी मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से और टेक्नोलॉजी से और कंप्यूटर साइंस से, और दूसरा बच्चा अभी US में है और वो कम्युनिकेशन एंड मीडिया कर रहा है वहाँ से, दोनों का लास्ट सेमेस्टर है। तो डॉक्टर दोनों नहीं बने और दोनों की उनकी अपनी चॉइस थी, और मैंने कभी इस चीज़ के लिए कभी फोर्स नहीं किया कि डॉक्टर बनो। दूसरा जो उन्होंने जो करना चाहा उसको मैंने अप्रिसिएट किया, प्रोत्साहित किया। पेरेंट्स के लिए खास तौर से ये बहुत बड़ा संदेश आपने दिया कि आप और भाभी जी दोनों डॉक्टर होने के बावजूद आप लोगों ने अपने बच्चों के, एक बच्चा इंजीनियरिंग लाइन में है, दूसरा मॉस्कॉम और मीडिया के लाइन में है, ये अपने आप में एक ऐसे पेरेंट जो इस बात को सुन रहे होंगे, तो बच्चों के इंटरेस्ट पे ध्यान रखें, ना कि अपनी चीज़ों को उनके ऊपर थोपें, उनके इंटरेस्ट का पूरा ध्यान रखें। और यह बात डॉक्टर राजेश सिन्हा जी से हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लास्ट में जाते जाते मैं चाहूँगा कि यूथ के लिए एक सिंगल लाइन कोई वर्ड बोलिए जो यूथ आज इधर उधर जा रहा है, सिंगल लाइन में क्या कहना चाहेंगे? सिंगल लाइन में मैं यही बोलूँगा कि आप कैरियर अपने पैशन से चुनिए, जो कैरियर में आप काम करना है उसमें ऑनेस्टी रखिए, और पैसे कमाइए लेकिन तरीके से कमाइए। इनके लिए यही संदेश मिल रहा है, खूबसूरत संदेश यही है, पैशन ऑनेस्टी, और पैसा कमाना है तो गलत तरीके से नहीं कमाना है। ये खूबसूरत शब्द है राजेश सिन्हा जी के। हम अगले शनिवार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्ते।